करनाल के किसानों की शुगर मिल की क्षमता को बढ़ाने की 20 साल पुरानी मांग को पूरा किया, जिस पर करीब 263 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह कार्य एक वर्ष में पूरा हो जाएगा। इस मिल के विस्तारीकरण के बाद क्षेत्र के किसानों को अपना गन्ना बेचने के लिए कहीं बाहर बेचने की दिक्कत से निजात मिलेगा। इस अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि देश के भंडारण में हरियाणा के किसानों की भूमिका अहम है। किसान देश का अन्नदाता है। उन्होंने सबसे पहले यज्ञ में आहुति डाली और इसके बाद भूमि पूजन पर मिल के विस्तारीकरण के लिए ईंट रख कर कार्य की शुरुआत की। इस मिल की क्षमता अब 2200 टीसीडी से बढ़कर 3500 टीसीडी हो जाएगी। साल से डिमांड चल रही थी, 42 साल पुरानी यह मिल है। हर मिल का एरिया के हिसाब से आवश्यकता होती है उसकी अपग्रेडेशन की, उसकी क्षमता बढ़ाने की, तो इसकी क्षमता अब बढ़ाई गई है। 35,000 क्विंटल गन्ना इस मिल में, जो अभी तक 22,000 क्विंटल था, वो 35,000 क्विंटल गन्ना इस मिल की क्षमता बन जाए, ताकि हर साल भर में 50,00,000 टन ये गन्ना इसका खरीदा जा सके। 50 है तो 50 का और टाइम बढ़ाना पड़ेगा तो 60 भी हो सकता है। नॉर्मल 50,00,000 है, नॉर्मल 50,00,000 है, लेकिन अगर मान लो कभी ज़्यादा भी हो गया तो कुछ दिन फिर बाद में थोड़ा लेट तक भी चलानी पड़ती है या थोड़ा जल्दी शुरू करना पड़ता है, वो फिर गन्ना वायबल नहीं होता किसान को भी। तो इसलिए 50,00,000 एक आदर्श इसकी कैपेसिटी है साल भर की। और इसका पूरा फायदा मैं समझता हूँ जमुना के साथ साथ के जो बेल्ट है जिसके अंदर गन्ना होता है, इस पूरे फायदे इसको लाभ मिलेगा। और इस अवसर पर मैं तो आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और साथ में ये भी कहता हूँ कि सरकार की जो योजनाएं हैं उसमें किसान अगर आगे आने लग गया तो हमारे प्रदेश का भला होगा, समाज का भला होगा। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।